पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वार्ड 41 की भाजपा पार्षद प्रत्याशी फराह अंसारी ने आज अपने कार्यालय का फीता काट कर शुभारंभ किया। उपस्थित सभी जनसमूह ने फराह अंसारी का फूल माला पहना कर स्वागत किया और आगामी जीत के लिए दुआएं की। फराह अंसारी ने जनसंपर्क करते हुए आज बेगम वाली मस्जिद और जाटम बस्ती में मतदाताओं से मुलाकात की और भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि फराह अंसारी भाजपा की मुस्लिम प्रत्याशियों में ऐसी प्रत्याशी हैं जो लगातार अपने क्षेत्र में पकड़ बनाए हुए हैं और भाजपा के लिए तन मन से काम कर रही हैं। फराह अंसारी को युवाओं और बुजुर्गों का साथ मिल रहा है। फराह अंसारी का कहना है कि एक युवा की सोच होती है कि वो कुछ नया करे और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैंने निकाय चुनाव में कदम रखा है। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी युवा साथी भाई बहन और बुजुर्ग मुझे निकाय चुनाव में विजयी बनाएंगे और क्षेत्र के विकास में सहयोगी बनेंगे। क्योंकि अल्लाह के शुक्र से मुझे इसकी मौका मिला है, मैं चाहती हूँ इस मौके को मेरे गवाने लेंगे और सबका साथ रहा तो ये मौका जाया नहीं जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं इस मौके को मुक्ति की ताकत से अपने आप को सबको कामयाब बना सकूं। वार्ड 41 में बेगम वाली मस्जिद और जाटा बस्ती और बकरी का हाथा हमारा प्रचार रहा और दोके वाली मस्जिद जिसका हमने कार्यालयों का उद्घाटन किया है। कैसा रहा चुनाव प्रचार? हमारा चुनाव प्रचार 1000% और बहुत बहुत सम्मान मिला हमें लोगों का और नारों से आप पता लगा देखते हैं, भीड़ से पीछे देख सकते हैं कि कितना हमें प्यार और सम्मान मिल रहा है। कैसा समर्थन है? समर्थन भी हमारा सबका समर्थन है, कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं जिसने ये नहीं कहा हो कि तुम नहीं बनोगी, कामयाब बनोगी। हम सबका सम्मान और प्यार और आशीर्वाद सबका रहेगा। भाजपा को वोट देने के लिए पूरा 1000% तैयार है, सब बोल रहे हैं। काम कर रही है भाजपा, काम भी तो कर रही है ना। मैंने रह के, मैंने भाजपा में रह के काम किया है उन लोगों के लिए, तो आज वो मेरे लिए तैयार है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।